आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। स्टेट ट्रेड सेल सर्विसेज ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से पीएमएस लाइसेंस प्राप्त करने के 2 महीने बाद पीएमएस सेवाएं शुरू की हैं। विशेष अवसर पर टिप्पणी करते हुए स्टेट ट्रेड सेल सर्विसेज के निदेशक और भारत के सबसे युवा फंड मैनेजर केशव गुप्ता ने कहा, हम स्टेट ट्रेड सेल सर्विसेज के नए प्रमुख के रूप में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को पेश करने के लिए रोमांचित हैं। पीएमएस का लॉन्च वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्टता और हमारे ग्राहकों को अतिरिक्त निवेश के अवसरों के लिए मार्गदर्शन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टेप ट्रेड सेल सर्विसेज ने स्टेप ट्रेड एसएमई फंड रणनीति का अनावरण करके स्टेप ट्रेड पीएमएस के लॉन्च के साथ एक ऐतिहासिक घटना को चिन्हित किया, जो एसएमई एक्सचेंज कंपनी और स्टेप ट्रेड राइजिंग स्टार फंड में अच्छे रिटर्न पर केंद्रित है, जो छोटी और माइक्रो कैप कंपनियों पर केंद्रित है। पीएमएस स्टेप ट्रेड सेल सर्विसेज के फंड मैनेजर यश भानुशाली ने कहा, हम अपनी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को पेश करने के लिए उत्साहित हैं, जो वित्तीय बाजारों में व्यापक शोध और विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। पारदर्शिता, नवाचार और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर स्पष्ट फोकस के साथ हम ग्राहकों के लिए निवेश अनुभव को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेश है अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। आई एम क्रिशा गुप्ता, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई कम्प्लीटेड माई सी ए इन 2019 एंड उसके बाद मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ज्वाइन किया एज मैनेजमेंट ट्रेनी एंड देन एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन देयर इन्वेस्टर रिलेशंस एंड ट्रेजरी टीम। 2 years बैक हमने स्टेप ट्रेड शेयर सर्विसेज लॉन्च किया। द पर्पस ऑफ स्टेप ट्रेड शेयर सर्विसेज वॉज टू क्रिएट अ फाइनेंशियल आर्म इन द कंट्री, जो हर तरह की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके एंड हर तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को केटर कर सके। टूडेज इवेंट वॉज the launch of our portfolio management services. So we have already got the license for alternative investment funds. We have 3 licenses for AIFs of different categories. Aaj ka event specifically PMS launch ke liye tha, where we have got a new license of portfolio management services and we will be now providing services of PMS along with our AIF strategies. So myself Ankush Kumar Jain and I'm a qualified chartered financial analyst. And I started my career into 2007 into commodities and currency research. From 2007 to 2017, I'm into this field only. From 2018 onwards, I was moved into the equity research. And 2 years back only, I have joined StepTrade as a fund manager and managing 2 AIFs along with Kresha. And today, we have started this. We are here for the PMS fund launch event. That's it.